नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्जिंग टेस्ट, जो कि तीनों डिवाइस का करने वाले कंपैरिजन, जो कि है Realme 7 वर्सेस Poco M2 Pro वर्सेस Realme 6 है, या फिर आप उसको Realme 6 कह सकते हैं, क्योंकि Realme 6 या फिर Realme 6 का बैटरी एंड चार्जिंग टेस्ट सेम टू सेम है। सो गाइस, रिसेंटली Realme की तरफ से Realme 7 सीरीज को लॉन्च किया गया। एंड दोस्तों, Realme 7 सीरीज में आपको पता होगा कि फास्ट चार्जिंग, जो कि आपको डार्ट चार्जिंग मिल जाता है। सो गाइस, Realme 7 में आपको मिल जाता है 30 वाट का सुपर फास्ट डार्ट चार्जिंग एंड आपको 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है। वैसे तरह से दोस्तों, Poco M2 Pro में जैसा आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है एंड 5000 mAh की बैटरी बैकअप Poco M2 Pro में मिल जाती है। उसी तरह से Realme 6 या फिर Realme 6 है कैसे आपको 4300 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड 30 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग, जो कि आपको वूक चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। सो गाइस, सारे फोन हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे उनके यहाँ पर केबल्स एंड चार्जर से। कोई भी थर्ड पार्टी केबल एंड कोई भी थर्ड पार्टी चार्जर हम यूज नहीं करेंगे। तो जो भी फोन के साथ चार्जर एंड केबल मिलता है उनके यहाँ पर कनेक्ट करेंगे एंड देखते हैं यहाँ पर चार्जिंग चालू करने के बाद कौन सा फोन सबसे पहले चार्ज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सारी फोन्स के मैंने उनके ऊपर चार्जर एंड केबल को कनेक्ट कर दिया एंड दोस्तों, जैसे पर बटन को स्टार्ट कर देता हूँ, बटन को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को भी चालू कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर साइड में देख सकते हैं स्टॉप वॉच भी चालू रखेगा, उसके साथ ही यहाँ पर तीनों डिवाइस देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है, Realme 7, Poco M2 Pro, उसके साथ ही Realme 6 है कह सकते हैं या फिर Realme 6 कह सकते हैं, दोनों का देख सकते हैं चार्जिंग स्पीड सेम टू सेम है एंड लगभग देख सकते हैं 1% चार्ज होने के बाद तीनों डिवाइस को क्या करें, हम स्विच ऑन करेंगे। वैसे सारे फोन देख सकते हैं 0% चार्जिंग थे, मतलब यहाँ पर स्विच ऑफ हो गए थे। तो फोन के ऊपर स्विच होने के लिए कम से कम 1% तो चार्ज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे तीनों डिवाइस 1% चार्ज हो जाता है, तो उनके मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। एंड गाइस, फाइनली सारे के सारे डिवाइस स्विच ऑन हो चुके हैं एंड लगभग देख सकते हैं सारे डिवाइस का जो ब्राइटनेस लेवल है सेम टू सेम है। सारे डिवाइस में देख सकते हैं वाईफाई कनेक्शन चालू करके रखा है, जितने सारी सर्विसेज दे सकते हैं, बैकग्राउंड एप्लीकेशन दे सकते हैं, सारे फोन में सेम टू सेम चालू करके रखा है। सो गाइस, फर्स्ट अटेम्प्ट देख सकते हैं Realme 7 चार्ज हो चुका है 6 मिनट में 12%, Poco M2 Pro चार्ज हो चुका है 6 मिनट में सिर्फ 10%, जो कि 33 वाट का रैपिड फास्ट चार्जिंग होने के बावजूद, एंड Realme 6 या फिर Realme 6 आई कह सकते हैं, जो कि चार्ज हो चुका है 6 मिनट में ओनली 5%। पता नहीं Realme 6 6i को क्या हो गया है, 6 मिनट में 5.6% चार्ज हो चुका है। पता नहीं नेक्स्ट देखते रहिए, आपको काफी सरप्राइज रिजल्ट मिलने वाला है। फिलहाल के लिए एक नंबर पे है Realme 7, दूसरे नंबर पे है Poco M2 Pro, तीसरे नंबर पे है Realme 6i। तो बीच बीच में टाइम स्टेप में सारे डिवाइसेस के यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट चेक करने वाले की कौन सा बैटरी परसेंट यहाँ पर दे सकते हैं, फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, 10 मिनट में दे सकते हैं Realme 7 दे सकते हैं 22% चार्ज हो चुका है। Poco M2 Pro के बारे में बात करेंगे तो Poco M2 Pro 10 मिनट में 15% चार्ज हो चुका है, बल्कि Realme 6 या फिर Realme 6i कह सकते हैं 10 मिनट में सिर्फ अब सिर्फ 12% चार्ज हो चुका है। Realme 6 दे सकते अभी भी फिलहाल के लिए पीछे पड़ा है Poco M2 Pro के, लेकिन सबसे पहले नंबर पे है Realme 7। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 25 मिनट के बाद क्या रिजल्ट शो हो जाता है। तो 25 मिनट्स में दे सकते 49% चार्ज हो चुका है Realme 7। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे Poco M2 Pro के बारे में, 25 मिनट में चार्ज हो चुका है 36% एंड Realme 6 या फिर Realme 6i कह सकते 25 मिनट में चार्ज हो चुका है 32%। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट टाइम स्टैम्प के बारे में, तो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प दे सकते हैं 40 मिनट का है। सो गाइस, 40 मिनट में दे सकते अभी भी Realme 7 एक नंबर पे 72% चार्ज हो चुका है। Realme 7 के बाद दे सकते 40 मिनट में Poco M2 Pro 53% चार्ज हो चुका है एंड Realme 6i दे सकते 40 मिनट में 55% चार्ज हो चुका है। सो फिलहाल के लिए Realme 7 एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे Poco M2 Pro एंड तीसरे नंबर पे Realme 6 है, लेकिन दोस्तों आगे सरप्राइज देख सकते हैं, सरप्राइज मतलब कि रिजल्ट कुछ और ही आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम स्टैम्प दे सकते हैं, जो कि 52 मिनट्स में Realme 7 चार्ज हो चुका है 89%, 52 मिनट्स में चार्ज हो चुका है Poco M2 Pro 67% एंड Realme 6 या फिर Realme 6i कह सकते हैं 52 मिनट्स में 72% चार्ज हो चुका है। सो गाइस, ये सरप्राइज आपको कैसा लगा कि Realme 6i काफी पीछे था, Poco M2 Pro के पीछे था, लेकिन दे सकते हैं Poco M2 Pro को भी उसने पीछे कर दिया है। सो लगभग दोस्तों 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे में Realme 7 98% चार्ज हो चुका है। एंड गाइस, मैं आपको फाइनल रिजल्ट ही बता देता हूं कि Realme 7 फुल चार्ज हो चुका है 1 घंटा 3 मिनट के बाद। सो गाइस, 1 घंटा 3 मिनट लगता है आपको Realme 7 फुल चार्ज होने के लिए। उसके बाद दोस्तों Realme 6 या फिर Realme 6i कह सकते हैं 1 घंटा 14 मिनट लगता है फुल 100% चार्ज होने के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे Poco M2 Pro। सो गाइस, Poco M2 Pro 33 वाट होने के बावजूद भी दे सकते हैं अभी भी फिलहाल के लिए चार्ज नहीं हो चुका है। सो गाइस, लगभग 1 घंटा एंड ऊपर 37 मिनट हो चुका है एंड 1 घंटा 37 मिनट होने के बावजूद भी Poco M2 Pro 99% चार्ज हो चुका है एंड फाइनली Poco M2 Pro दे सकते 100% चार्ज हो चुका है, लेकिन दोस्तों Poco M2 Pro ने 1 घंटा ऊपर 39 मिनट्स का टाइम लिया है। सो गाइस, फाइनल रिजल्ट आपको
आपको पता होगा कि एक नंबर पे रियलमी 7, दूसरे नंबर पे रियलमी 6 या फिर रियलमी 6 आए एंड तीसरे नंबर पे है पोको M2 प्रो। लेकिन दोस्तों पोको M2 प्रो में आपको 33 वाट का चार्ज होने के बावजूद भी दे सकते हैं सबसे लेट चार्ज हो चाहे लगभग 1 घंटा 39 मिनट्स का टाइम लिया है पोको M2 प्रो ने। लेकिन दोस्तों पोको M2 प्रो की खास बात यह कि आपको जो पावर एफिशियंट होने की वजह से ज्यादा बैटरी बैकअप देता है। सो रियलमी 7 या फिर रियलमी 6 के मुकाबले बैटरी बैकअप के मामले में पोको M2 प्रो काफी आपको बेस्ट बैटरी बैकअप देगा, क्योंकि दोस्तों पोको M2 प्रो का प्रोसेसर पावर एफिशियंट प्रोसेसर है जो कि 8 नैनोमीटर पे बेस है। सो गाइस आज का चार्जिंग टेस्ट कैसा लगा, एक नंबर पे है रियलमी 7, दूसरे नंबर पे है रियलमी 6 एंड तीसरे नंबर पे है पोको M2 प्रो। सो गाइस और भी कुछ टेस्टिंग के वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।